दिवाली भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बाद छठ आने वाला है। आई होप आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करते होंगे, अगर मेरे जैसे गरीब होंगे तो कोई नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, वैसा कैसे अपडेट किया कालबा कैसन बड़े गेम से कम। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते तो जाके फॉलो करो। और बेबी को तो अभी टच ही नहीं करूँगा, राजा के साथ ही जा रहा है, क्योंकि राजा को चढ़ाने में अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो धूप में अपन मस्ती करने जा रहे हैं, एडवेंचर करने जा रहे हैं। तो ये देखो, अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप चालू हो चुका है और अभी राजा को लेंगे, फिर चलते हैं, थोड़ा वॉक ऑफ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, आप लोग को अच्छा ही ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। ओ भाई ये देखो, पूरा मेरा साइकिल ऐसे किया है, घर को पूरा नुकसान किया मेरा राजा। तो चलते हैं, अभी इस साइड से निकलते हैं भागोरे और देखते हैं कहाँ पे पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँचे। और ये हमारे गांव का सुंदर सा गलियाँ है और अपन अभी मेन रोड पे आ चुके हैं और चलते हैं। अभी देखो पूरा सन्नाटा है, क्योंकि 9 दिन से यहाँ पे अटजाम हो रहा था तो माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा था, अभी तो पूरा सन्नाटा हो गया। ये बिस्टोल चौक है, लेफ्ट साइड में आप लोग को दिखता होगा। जो जो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो गरीब बिहारी को, तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर नया ट्रिप शुरू होने वाला है। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय गरीब बिहारी यूट्यूब चैनल। और मेरे को नाम को लेकर प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नाम मिल गया, गरीब बिहारी। बहुत सारे लोग हंसते होंगे कि क्या नाम है गरीब बिहारी, क्योंकि गरीब बिहारी एक ऐसे नाम है कि हर आदमी के मुंह पे आ जाएगा और वो आराम से सर्च कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे यही है कि नाम यूनिक होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे यूनिक, इतना भी यूनिक नहीं कि एकदम नाम सुनते ही कुछ अलग फीलिंग आ जाए, कुछ नहीं, उसी चीज़ को ब्रांड बनाएंगे, जैसे एक विष्णु बिहारी ब्रांड बन चुका है। तो लो जी, अररिया चौक के पुला के नीचे से अपन उस साइड जाएंगे। और मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं आज फ़ोन सब ठीक करवाऊंगा, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है। तो चलते हैं, अररिया आए हैं तो एक वीडियो है, वीडियो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ननौर जाएंगे पवन के पास, और ननौर क्यों जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ही टाइम पास करने जा रहा हूँ। बस घर पर बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। आप लोग को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिखता होगा स्विमिंग हुआ वहाँ पे ही, पर अपने को वहाँ पे नहीं जाना है, अपने को यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे साइकिल लगाएंगे अपना राजा को। फिर ये रहा आदित्य मिक्सिंग लाइव एंड प्रिंटिंग पेस। मेरा साइकिल ऐसे लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये है ही नहीं। माँ सब रिकॉर्ड भर रहा है। अकेला केना भाई गेले पटना? हमरा हमरा कॉलर यो हमरा कहाँ कॉलर यहाँ हमरा ध्यान नहीं डालने जब तब कम से कम हमू जेती है हमरा पता रहता तो जरूर खोजती है। ये अकेले जाके आ गए हैं पटना में। वीडियो का वो लाया ये डाला था ना, मार्केटिंग का कुछ चले नहीं की ले लियो तो खाली सॉफ्टवेयर सब ले लिया और कुछ नहीं। तो सीन अभी ऐसा है ना गाइस कि मैं यहाँ पे आया था, वाईफाई लगा हुआ है, तो मैं सोचा वीडियो यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा, पर अभी फ़ोन में अपलोड करने के लिए जा रहा था तो देख रहा हूँ कि मैं दूसरा वीडियो लैपटॉप से ले लिया हूँ, तो अभी मेरे को वो वीडियो आज अपलोड करना ज़रूरी है। तो अभी फिर से मेरे को घर पर जाना पड़ेगा, फिर घर से पवन बोल रहा है आ जाओ पार्टी वार्टी दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, और भी मैं साइकिल से हूँ भाई, क्या करें। तो चलते हैं, अभी देखते हैं जो भी होगा सही होगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो मेरा घर है ही नहीं, या 1.5 किलोमीटर होगा। तो फिर से मैं घर पे जा रहा हूँ, फिर वीडियो लूँगा, फिर से आऊँगा मैं, फिर ननौर जाऊँगा। अरे यार, और बार बार मेरा साइकिल का चेन उतर जा रहा है यार, ये देखो मेरा साइकिल का चेन फिर से उतर गया। तो इजी है, मेरा साइकिल का चेन चढ़ाना ये बहुत इजी है। देखो क्या करना है, ऐसे कर देना है और इसको पीछे ले लेना है, हो गया। बाकी साइकिल में ऐसा होता नहीं है, तो कोई नहीं, चलते हैं।
तो ये लो, मैं अपने गली में भी पहुंच चुका हूं। फ़ोन में मैं वीडियो लूंगा, जो आप लोग कल देखे होंगे वही वीडियो मैं आज अभी फिर से लेने घर पे आया हूं। वीडियो लेकर फिर से मेरे को जाना पड़ेगा ननौर, क्योंकि घर पे मेरा कुछ काम है ही नहीं। अभी पवन के पास चलते हैं, देखते क्या होगा वहाँ का, क्या सीन है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके फिर जाऊँगा मैं अपलोड करने के लिए। और मैं धूप में अभी राजा को नहीं लेकर जा सकता हूँ, मैं अभी बेबी से जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो इसका सीन देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने अभी बेबी को ले लिया हूँ और निकल रहा हूँ, बूम 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 बूम। और कैसे एंगल आता होगा नहीं आता होगा पता नहीं, ब्रेक थोड़ा भी नहीं है इसमें, फिर भी मैं चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें ब्रेक नहीं है, उसके हिसाब से मैं चलाऊँगा। और चलते हैं अभी, और अभी एंगल कैसे आ रहा नहीं आ रहा, मैं एक जगह रुक के देखूँगा कि कैसे आ रहा, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरा चेस्ट में पूरा सटा हुआ है ना इसके लिए। चलते हैं अभी, बूम 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 बूम। यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं एक बार एंगल कैसे आ रहा है। तो मैंने अभी रुक के देखा था, अच्छा ही एंगल आ रहा था, पर ये सब दिख नहीं रहा था। तो आई होप आप लोग को अभी दिखता होगा, क्योंकि मैंने चेस को थोड़ा ऊपर किया हूँ और कैमरा को भी ऊपर किया हूँ, तो आप लोग को पूरा अच्छा तरह से अभी दिखता होगा। चलो अभी चलते हैं। और बात रही कुछ नहीं, चलो अभी चलते हैं बस। तो मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया था और मैंने अपना वीडियो यहाँ पे अपलोड कर लिया, अभी चलते हैं ननौर। और ननौर में देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्लान है नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है। ननौर भी आ चुका हूँ, तो आप लोग जो देख रहे हो ये पूरा ननौर चौक है। मैं बहुत आया हूँ इस रूट में, और पवन का घर भी आ गया है, तो देखते हैं कहाँ पे है नहीं है वो। पवन भाई का साइकिल देखो वहाँ पे, ये देखो पवन भाई का साइकिल। चलते हैं अभी पवन के घर में। तो पवन का नया घरारी पे आया हूँ मैं अभी, और यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगता है, शांति फील, हवा नेचुरल, क्योंकि यहाँ का वाइब ही अलग ही है, देख सकते हो पूरा नेचुरल एकदम। तो अभी थोड़ा इधर उधर घूम लेते, ओए में आलू लगल छे यो, है मिर्ची, उसमें भी मिर्ची लगल छे, सही है। मतलब पवन इसलिए इतना मोटा है क्योंकि सलाह ये पूरा हर चीज़ ताज़ा ताज़ा खाता है, हर सब्जी साग वगैरह वगैरह। ये देखो ये मिर्ची का पौधा है पूरा पूरा खेत में ही। और ये पत्थर में कौन पौधा चाहिए, ये कौन पौधा चाहिए, फूलगोभी, ये वाला मिर्ची सब देखो, फूलगोभी बंधागोभी दोनों। यही है पवन का घर नया वाला, मस्त है पवन का ये जगह, साला मेरे को बेच देगा, बेचोगे एक किडनी बेच कर ये जगह ले लेता, क्योंकि इसका जगह मस्त लगा मेरे को, टोला से अलग है एकदम, कलम गाछी है। मेरा फीलिंग आप समझ रहे हो ना, सुबह उठो नेचुरल वाइब लो, नेचुरल हवा लो, सही हैगा। और हम टोला में रहते हैं ना, हम नहीं मैं जब टोला में रहता ना, सुबह उठते ही आदमी का आवाज़ है जैक जैक, दिमाग मेरा खराब हो जाता है। ये देखो पवन किसानी वाला काम कर रहा है, ला हम करे चमन लिया, गाइस देख सकते हो विष्णु कुछ अलग आज खेती करेंगे, आज का थंबनेल डाल दो रुको। भोगले